बैक दोस्तों, आपके हमारे चैनल टेक शो में हमारा दोबारा से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ले जा रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होगा जो कि सैमसंग तो नहीं, लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, जीवी, जियोनी, जो ये बेहूदे ब्रांड थे जो आप इंडिया में से जा चुके हैं, कोई फोन जा तो नहीं चुके, मतलब अब इनकी कोई मार्केटिंग नहीं है आज के टाइम। तो इतने जिन्होंने हमको पागल बनाया इतने सालों तक, इनके क्या क्या ना मतलब वो रहा है कि इसने पास्ट में क्या काम किया, मतलब क्या आज इनका कोई स्कोप है इंडियन मार्केट में दोबारा सकते हैं, तो इसके इस वीडियो का अपना होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 2010 के पहले की। तो दोस्तों, पहले हम लोग को माइक्रोमैक्स के, लावा के, स्पाइस के, कार्बन के, जीवी के, जियोनी के, मतलब बहुत प्रकार की कंपनियां मिलती थी जिससे अपन को मतलब फुल HD स्क्रीन तो दे नहीं पाते थे, HD भी नहीं दे पाते थे, 480p में अपने को ऐसा डिस्प्ले देते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने को पागल बनाया है। और भाई 2013 में आके फिर Xiaomi ने मतलब पूरी मार्केट को पलट दिया। और जो ये माइक्रोमैक्स है, लावा है, स्पाइस है, इनका काम था बाहर से इम्पोर्ट करके उनपे अपना सिंबल लगवा के, जैसे माइक्रोमैक्स है उन्होंने चाइना से कॉन्टेक्ट करता था कि आपका जो फोन है हमारा उस पर लोगो लगाइए, फिर उसको हम इंडिया में सेल करेंगे अपने बॉक्स पे, हमारा नाम का बॉक्स बना के। तो ये ऐसे करते थे हमको, मतलब इन्होंने बहुत लूटा है लोगों को, मतलब बिल्कुल कमीशन तो इतना था माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस का कि पूछिए मत, कमीशन पे ये बिल्कुल कंपनियां वहां से जीरो प्राइस में लेती थी। और यहाँ पे आके उसका प्राइस 10-10 हजार रुपए में ऐसे फोन मिलते थे जो आज के टाइम 3 हजार के फोन है, 2-2.5 हजार के, वो फोन आपको 10-15 हजार रुपए में उस टाइम कंपनी प्रोवाइड करती थी। उनका कमीशन 50% सिर्फ एक्स्ट्रा है, मैंने ऑनलाइन साइटों पे पढ़ा है, तो उनका 50% सिर्फ ज्यादा कमीशन, किसी में उसका 70% कमीशन था ये कंपनी ने। तो मतलब आज के टाइम मोबाइल की इंडस्ट्री में बहुत चेंजमेंट आया है, उसमें चेंजमेंट में इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां जुड़ती जा रही है अपने में, तो मतलब बहुत अच्छा कर रही है आज के टाइम कंपनी। उन्होंने जो सैमसंग कार्बन आज के टाइम ऑफलाइन में ये बहुत ज्यादा पैसे देती है, कार्बन, MI तो नहीं देती, हाँ ओप्पो वीवो ये दो चाइना कंपनी सक्सेस रहे इंडिया में, इनका कोई स्कोप नहीं था, पर इनकी एडवर्टाइजमेंट इतना किया इन्होंने कि मतलब हर शॉप के ऊपर आपको वो वीवो और ओप्पो का बोर्ड लगा मिल जाएगा, तो आप उसे पहचान सकते हो कि शॉपकीपर कितना कमीशन देती है। कमीशन देना मतलब उनने अपना इंडिया में जगह बना ली, नाम बना लिया ओप्पो एंड वीवो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज के टाइम ओप्पो और वीवो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, पहले एक साइड चलते थे ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मतलब इनका कोई स्कोप नहीं है। माइक्रोमैक्स का मैं मानता हूँ, माइक्रोमैक्स ने अभी अपना एक विजन फोन लॉन्च किया था, वो भी फ्लॉप हो गया, कोई दिक्कत मतलब दिक्कत ही होगा, कोई मतलब कोई फोन सक्सेस ही नहीं होगा देख लेंगे इंडिया में, मतलब इतने घटिया फोन बना रही है कंपनी, मतलब कस्टमरों को लूटने की आदत उन्हें अभी नहीं गई है। और आज से पहले उनका स्कोप था 2010 से पहले और 11 के बीच में, फिर उसके बाद उनका कोई स्कोप नहीं रहा है। आज के टाइम ये कंपनी सारे फ्लॉप है, इनको कोई कंपनी नहीं लेती। और जो इंडिया में नई कंपनी आई, इन्फिनिक्स कंपनी, सुना होगा आपने नाम, इन्फिनिक्स कंपनी आई है चाइना से, वो मतलब माइक्रोमैक्स की तरह लग रही है मुझे भी, वो मतलब कभी फोन निकालती कभी निकालती। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।